चलो हमारी जो इंतजार की घड़ी थी वो पूरी हुई, लेकिन मौसम ने थोड़ा साथ नहीं दिया। वैसे बारिश आना तो शुभ होता है, मौसम बारिश हो रही तो हमने सोचा यार उस टाइम पे बारिश होगी। ये गलत स्वास्तिक बनाया है मैंने, रियल स्वास्तिक ऐसे नहीं बनते। बिल्कुल सही पकड़े। फिलहाल ऐसा नहीं होगा क्योंकि हम जल्दी जल्दी काम कर रहे हैं, देखो क्या होता है। अभी अभी मुझे खबर आई है कि उनका आधा सामान तो आ गया है, मतलब वो भी आने ही वाले होंगे। और उनका मैंने एक निक नेम रखा है, नमस्कार प्रणाम मलाग आप सभी को। आप सभी का मेरे चैनल कुमाऊनी क्वीन में फिर से स्वागत है। मैं फिर से एक नए ब्लॉग के साथ आई हूँ और अभी ब्लॉग की शुरुआत में कर रही हूँ दोपहर के 1 बजे से, और अपने छोटे से गार्डन से मेरे को बहुत सारे फूल तोड़ने हैं, क्योंकि आज जो हमारे नन्हे मुन्ने जो भी है हमारे लाल गोपाल वो घर आने वाले हैं उनके वेलकम के लिए। और उनका मैंने एक निक नेम रखा है इक्षु, क्योंकि वो 29 तारीख को गणेश चतुर्थी के दिन पैदा हुए थे, तो उनका जो हमने गणेश जी के उस पे नाम रखा है एक जो इक्षु आ रहा था तो वो सबको पसंद आया है तो वही नाम रखा है। धीरे धीरे धूप भी आ गई है क्योंकि सुबह कल शाम से यहाँ बारिश हो रही थी। अभी मुझे उसके स्वागत के लिए बहुत सारे फूल तोड़ने हैं। अगर हमारे खेतों से पूरे हो गए तो ठीक है, वरना मुझे पड़ोसियों के घरों से तोड़ तोड़ के लाने पड़ेंगे, क्योंकि उनके स्वागत में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। और माँ तो चलो बीच में आई थी, अन्नू दी और दो नूबे भी आज चौथे दिन घर आ रहे, मतलब पांचवें दिन, पहले दिन चले गए थे ना। मामा आ गए हैं, मैंने मामा को कल ही बोल दिया था कि मामा मुझे यहाँ हेल्प करने के लिए चाहिए, तो हम तीन ही हैं अभी। भावना को भी बुलाया था मैंने, वो नहीं आ पाए अपने काम के ऐसे, तो हम तीन ही हैं। देखो हम कितनी जल्दी काम कर पाते हैं, अभी फिर आते हमको इतने सारे फूल ये चूर रहे हैं इनको। अभी कैमरामैन भी हमारे साथ जुड़ेंगे, ऐसी बात नहीं है कि हम दोनों ही हैं, कैमरामैन भी चूरेंगे, फटाफट काम होगा तो हमारा। अभी अभी मुझे खबर आई है कि उनका आधा सामान तो आ गया है, मतलब वो भी आने ही वाले होंगे, इसलिए मैंने सजाना शुरू कर दिया है। हाजरी के फूल तो तोड़े थे, देखने से लग रही थी कि इतने ज्यादा हैं, लेकिन जब यहाँ सजाने की बारी आई ना मुझे लग रहा है कि कम हो जाएंगे, तो मैं कैसे ना कैसे इसको जुगाड़ बिठाने की कोशिश कर रही हूँ। यहाँ पे चाचा और बुबू की आफत आई है गुब्बारे फुलाते हुए, क्योंकि कोई बच्चे पार्टी तो है नहीं यहाँ, तो हम कोई गुब्बारे फुलाने हैं, तो ये चाचा बनने की खुशी में और बुबू बनने की खुशी में। और जो मेरा फाइनल डेकोरेशन है वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी कि जब पूरा अच्छे से हो जाएगा ना कैसा लग रहा है, और मुझे धक भी हो रही है, अगर वो जल्दी पहुंच गया मेरा आधा ही डेकोरेट हुआ तो। फिलहाल ऐसा नहीं होगा क्योंकि हम जल्दी जल्दी काम कर रहे हैं, देखो क्या होता है। और मेरा साथ में एक और काम जारी है तो उसके लिए मुझे ऐसी बिंदी लगानी पड़ रही है, कोई बात नहीं दो दो काम साथ में हो रहे हैं। अच्छा मैं फिलहाल बहुत रश में हूँ, मैंने हमारे टीम में एक और मेंबर को बुला दिया है, क्योंकि हमारे गलाड़ों में ऐसी पीड़ हो रही थी गुब्बारे फुलाते फुलाते, तो हमने हमारी स्पेशल सी प्रिया को बुलाया है स्पेशली गुब्बारे फुलाने के लिए। हम वो वेलकम वाला बैनर लाना भूल गए थे कल जल्दीबाजी में, फिर मैंने अपना दिमाग चलाया, मैंने सोचा हमारी टेबल तो है ही काली, उसमें लिख देती हूँ फूलों से वेलकम इक्षु। अब मैं वेलकम तो लिख दिया, अब मैं इक्षु लिखती मैंने अपना लिख दिया है वेलकम। अब आगे का दिमाग मामा लगा रहे हैं, थोड़ा सा ही है इसलिए थोड़ा सा ही लगा रहे हैं। यार एक एक गुब्बारा और चिपका देते हैं ना। चिपका दे चिपका दूं। वैसे तो रहन दे गुब्बारा, चलो क्या बोला स्टेपलर लगाना है इसमें गुब्बारे में किसमें हाँ। स्टेपलर के साथ जोड़ दे ऐसे ही
विद्वान हमको चाहिए थे। तो फिर कितनी अच्छी बात बताई, मैंने कभी निकलेगा भी नहीं। मुझे अभी अभी सूचना मिली है कि वो लोग वहाँ से निकल गए हैं, तो मैं तैयारी करती हूँ। और यहाँ पे व्हाइट कपड़ा था, मुझे उसमें वो भी बनाना है स्वास्तिक। हमारे शादी के टाइम पर हल्दी का पानी तो पता नहीं किसने बनाया था, हे भगवान, ऐसे लगा था हल्दी दिख भी नहीं थी हाथों में। पर मैं अपने भतीजे के उसमें इतनी अच्छी आदत लगाऊंगी, उसके पैर पूरे छपेंगे ऐसे। ताकि उसमें छोटा सा स्वास्तिक है, उसमें देख के बना रही है यहाँ पर स्वास्तिक। हाँ तो गड़बड़ नहीं होनी चाहिए ना कोई, ये गलत स्वास्तिक बनाया है मैंने, रियल स्वास्तिक ऐसे नहीं बनते। स्पेशली हम इक्षु के वेलकम में घी के दिए जला रहे हैं। फाइनली हमारी सारी तैयारी हो गई है बेबी के वेलकम की। मैं आपको शुरू से दिखाती हूँ हमने किस प्रकार घर को डेकोरेट किया है। सबसे पहले मैं उन सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहूंगी जिन्होंने फूल बिछाने में, तोड़ने में, गुब्बारा फुलाने में, गुब्बारा लगाने में मेरी मदद की है। मैं भी हूँ, हम सब चारों ने इन सब में योगदान दिया है, तो उन सबका तहे दिल से शुक्रिया। मैं आपको शुरू से दिखाती हूँ। सबसे पहले हम जो डेकोरेशन थी ना, वो यहाँ पे मेन गेट से करने वाले थे ताकि वो आए तो हम यहीं से वेलकम करें, लेकिन मौसम ने थोड़ा साथ नहीं दिया। वैसे बारिश आने तो शुभ होता है, मौसम बारिश होती तो हमने सोचा है उस टाइम पे बारिश होगी तो हमारा प्लान फ्लॉप हो जाएगा, इसलिए हमने जो पीछे का हमारा जो मेन दरवाजा है ना वहाँ से शुरू किया उसको। तो मैं आप दिखाती हूँ आपको कि मैंने हमने कैसा डेकोरेशन किया है। थोड़ा कम टाइम था फिर भी काफ़ी अच्छा ही लग रहा है। Veins, I've been driving this train, years in this lane, there's no stopping this flame, cause I came to the game and I changed it to play, how I like, rearranged it to my own domain, yeah, I got what it takes, made lots of mistakes, taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great, popping off, singing straight. वो यहाँ से आएंगी, यहाँ से आएंगी, और यहाँ पे मैंने उनका बिस्तर लगा दिया है, वो यहाँ से अंदर चली जाएंगी, फिर वो पीछे अब नामकरण तक यहाँ रहेंगी, फिर वो हमारे साथ आ जाएंगी। बस इतनी सी की है, अच्छी लग रही है। हाँ मैंने एक और चीज़ किया, वो तो मैं भूल गई, ये यहाँ पे उसके पैर के छाप आएंगे, ये मीठा दिया धूप रखना है इसमें, और वो आलता। बस कुछ ही मिनट की देरी है, वो लोग पहुँच गए हैं। मैंने बोला था कि जैसे 5 मिनट रहेगी ना तो मुझे कॉल करना, वो आने वाले हैं, हम उनका वेट कर रहे हैं, फिर हम उसका वेलकम करेंगे। छोटा सा अब ये छोटा सा इंतजार इतना बड़ा लग रहा है, 5 मिनट हो गए अभी तक नहीं पहुंचे वो लोग यार। चलो हमारी जो इंतजार की घड़ी थी वो पूरी हुई। आइए आइए आइए, पहुंच गए हमारे लल्लू लाल। आपके यहाँ इतना ठंडा क्या हो रहा चाची? चलो चलो, अरे चलो यार, इतना अरे वाह यार, खुशी में रो रहे हो आप, बताओ इधर आओ, पहले हम इसका वेलकम करेंगे। दादी मुश्किल हो गई, तो मम्मा देखो सी आल्सो वेटिंग। जय हो बाबू। ठंडी लगी, ठंडी लगी बाबू, थोड़ा बस ठंडी लगी, ठंडी लगी। ये चलो चलो, फाइनली हमारे मुन्ना राजा भी घर आ गए हैं और मम्मी दादी के साथ सब आ गए हैं, और ये रहा इनका बेड। अब कुछ दिन तक वो यहीं पे रहेंगे, फिर नामकरण के बाद यहाँ पे आ जाएंगे। ये है मुन्ना, मत उठाओ मुझे कोई। अब मैं घर आ गया हूँ, मुझे चैन के नहीं सोने दो। हैं हैं, कैसा लग रहा है घर पहुँच के? बहुत अच्छा सुकून मिल रहा। हाँ यार,
इंतजार की घड़ी भी खत्म हो गई, हमारे मुन्ना राजा पहुंच गए हैं अपने घर। अब ये लोग नहाएंगे धोएंगे, मैं खाने पीने की तैयारी करती हूँ। आजकल अब मैं ये पेंट करती हूँ, अब थोड़ा हम भी टाइम स्पेंड करते हैं, उनके साथ बैठते हैं, खाना खिलाते हैं उनको। इसलिए मैं आपसे अगले ब्लॉग में मिलूंगी, तब तक के लिए बाय।